एलेक्सा चेंज द लाइट टू येलो. ओके येलो हो गया. हे गाइस, इट्स शालिनी. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई रियली होप यू आर डूइंग वेल. सो टुडेस वीडियो इज पार्ट टू ऑफ अमेज़न प्रोडक्ट्स दैट आई स्वेयर बाय. इसका पार्ट वन मैंने करीबन एक महीने पहले पोस्ट किया था. यू गाइस लव्ड इट और काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था दैट आई शुड मेक अ पार्ट टू ऑल्सो. सो आई थिंक जस्ट लाइक माई ग्लो अप रूटीन्स, दिस इज गोना बी अ सीरीज ऑन दिस चैनल. एंड एज यूजुअल मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आई एम गोना शो यू इन टुडेज वीडियो हैज प्रैक्टिकल यूसेज जो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो. सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन. फर्स्ट अमेजोन फाइंड इज दिस हेयर ड्रायर एंड दिस इज अ वेरी अफोर्डेबल गुड क्वालिटी हेयर ड्रायर. दिस इज बाय गॉर्जिया प्रोफेशनल. मैंने ये वाला हेयर ड्रायर विंटर में यूज करना शुरू किया था और अभी बारिश के मौसम में जब मेरे बाल जल्दी सूख नहीं पाते अभी भी मैंने फिर से इसे यूज करना शुरू कर दिया. मैं गर्मी में वैसे ज्यादातर हेयर ड्रायर यूज करती हूँ क्योंकि गर्मी में तो बाल ऐसे तुरंत ही सूख जाते हैं, इतनी गर्मी पड़ती है भोपाल में. सो इस हेयर ड्रायर में चार सेटिंग्स आते हैं. जो ब्लैक वाला है वो कोल्ड एयर छोड़ता है और उसी से ये हेयर ड्रायर ऑन एंड ऑफ होता है. और कोल्ड एयर में भी दो सेटिंग्स है, इंटेंसिटी कम और इंटेंसिटी ज्यादा. एंड देन देयर इज द रेड वन विच इज फॉर हॉट एयर. उसमें भी दो सेटिंग्स है, ज्यादा हॉट एयर चाहिए या कम हॉट एयर चाहिए, ठीक है. बट ऑन एंड ऑफ ये ब्लैक वाले से ही होता है. उसके अलावा देयर इज नो अदर सेटिंग्स इन दिस हेयर ड्रायर. टेम्परेचर भी चेक नहीं कर सकते इस हेयर ड्रायर में. दिस इज अ वेरी नॉर्मल बेसिक हेयर ड्रायर बट अ गुड क्वालिटी वन. लाइट वेट तो है ये हेयर ड्रायर. और इस हेयर ड्रायर के साथ तीन और चीजें आती हैं. दिस इज अ वेरी डर्टी ब्रश एंड कोम जो कि मैं यूज करती थी जब मेरे पास कर्टन बैंग्स ना उन्हें स्टाइल करने के लिए. अभी बाल लगे इसमें गंदा है वो. एंड देन टू डिफरेंट साइज ऑफ नॉजल्स. ओके ये काफी काम की चीज है. इससे आप अपने बालों को ब्लो ड्राई कर सकते हो. एंड लेट मी टेल यू 2018 वाली शाइनी शायद ब्लो ड्राई के बारे में बात ही नहीं करती कभी बिकॉज आई वॉज अगेंस्ट इट. मुझे पता नहीं था कि ब्लो ड्रायर में ना कूल सेटिंग भी होती है. एंड डेफिनेटली हर बार तो मैं ये ब्लो ड्रायर यूज नहीं करती जब मैं अपने बाल धोती हूँ. बट कभी अगर मुझे जल्दी जल्दी में अपने बाल सुखाने कहीं वेकेशन पे जा रही हूँ तो ये काफी काम की चीज है. एंड लास्ट में हमेशा मैं कूल सेटिंग जो इसमें दिया गया है वो यूज करना पसंद करती हूँ. ओवरऑल ये ब्लो ड्रायर काफी अच्छी क्वालिटी का है. बट एक चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ये ब्लो ड्रायर के बारे में कि काफी नॉइजी है. ठीक है इसे एक बार ऑन कर लिया तो आपको भी कॉल कर रहा है, कोई पुकार रहा है, कुछ सुनाई नहीं देगा आपको. ठीक है सो या दैट्स बैड अबाउट दिस ब्लो ड्रायर. नेक्स्ट अमेज़न फाइंड आर दिस डू इट योरसेल्फ आर्टिफिशियल नेल्स. मैंने अमेज़न में काफ़ी डिफरेंट फेक नेल्स या आर्टिफिशियल नेल्स की ब्रांड्स देखिए, काफ़ी रिव्यूज़ भी पड़े एंड फाइनली आई ऑप्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांड सिनेटी. और मुझे इस ब्रांड की नेल्स की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी लगी दैट आई ऑप्टेड फॉर टू डिफरेंट स्टाइल्स. ये वाला स्टाइल तो चलो इतना मुझे खास नहीं लगा बट ये वाला भी काफ़ी सुंदर है ये वाला स्टाइल. सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टाइल जो मैंने अभी पहन के रखा है. सो रिसेंटली जो मैंने अभी वीडियो पोस्ट किया था अपने चैनल पर दैट वॉज ग्लो अप रूटीन फॉर फेस्टिव सीजन, उसमें मैंने ये वाले नेल्स पहने थे एंड इट्स बीन 4 days आई हैव बीन वेयरिंग दिस. ये ज़्यादा हैवी नहीं लगते नेल्स पे, एकदम फेक फेक से नहीं लगते, यू नो दे लुक नेचुरल ऑन द नेल्स. एंड दिस पर्टिकुलर स्टाइल न्यूड ऑमरे स्टाइल इज सो इन राइट नाउ. ये वाले नेल्स ना डिफरेंट आउटफिट के साथ भी चल जाएंगे एंड दिस नेल्स आर वेरी अफोर्डेबल. दूसरा स्टाइल भी काफी अच्छा है इसका. मैंने अभी इसे ट्राई नहीं किया है बट द क्वालिटी इज अगेन टॉप नॉच फॉर दिस वन. एंड ऑब्वियसली ये कोई इतनी जरूरतमंद वाली चीज नहीं है फ्रॉम अमेजोन बट इफ यू आर लुकिंग फॉर फेक नेल्स दीज आर रियली गुड क्वालिटी वंस. आप इसे फेस्टिव सीजन में या किसी की वेडिंग में जा रहे हो आप खुद की वेडिंग में भी पहन सकते हो जस्ट टू एड अ लिटिल ग्लैम टू योर लुक. ओके माई नेक्स्ट अमेजोन प्रोडक्ट दैट आई स्वेयर बाय इज अ स्किन केयर प्रोडक्ट एंड दिस इज 1% सिसिलिक एसिड जेल फेस वॉश फॉर एक्टिव एक्ने एंड दिस इज बाय द ब्रांड डर्माको. ना सिर्फ ये एक्टिव एक्ने के लिए बना है बट ये दूसरे स्किन कंसर्न्स पे भी काफी अच्छे से काम करता है लाइक व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, क्लॉग pores. In fact, salicylic acid is an excellent chemical exfoliant, so it helps to remove dead skin cells from your face as well. So basically, this is an all-rounder product that can do wonders on the skin if used at the right amount and the right way. And I'm definitely going to show you that how I like to use this face wash. So I have extremely oily, sensitive and acne-prone skin. So I will take some amount of this face wash and I will start washing my entire face. So salicylic acid is a BHA beta hydroxy acid and this is oil soluble and this works on the deep layer of your skin. Wahan pe jaake dirt, gum, debris, jo bhi aapki skin ne accumulate kar liya hoga use wo remove karne mein help karta hai. This also targets active acne. Jab bhi mujhe active acne hota hai I like to use this product. Acne ke aas pass ki inflammation ko reduce karne mein kaafi had tak ki madad karta hai. So after washing my face for 2 minutes I'm going to pat dry my skin using my towel. Uske baad I'm going to follow up with the moisturizer और सीरम. यहाँ पे मैं मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ 1% सैलिसिलिक एसिड मॉइस्चराइजर बाय द ब्रांड डर्माको. सो ना सिर्फ आप सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, आप मॉइस्चराइजर या सीरम के फॉर्म में भी इसे अपनी स्किन केयर में इंक्लूड कर सकते हो. एंड इट इज सो
important to moisturize your face after you have used the active, because it can be a little drying on the skin. So after I'm done using moisturizer, I will follow up with the sunscreen. Now this is a very important step. Do not skip on the sunscreen no matter what skin type you have. Or agar aapne us din active ingredients use kiya apne face pe, do apply sunscreen. Ye wala sunscreen halka sa white cast chhodta hai, but ek baar skin mein ye acche se dissolve ho jata hai to white cast dikhta hi nahi hai. And that's how I like to use this face wash. And I have been incorporating salicylic acid in my skincare regime by a face wash, serum or a moisturizer. And I like to use this face wash on alternate days. This is a huge part of my skincare regime. Aur ye face wash almost khatam hone mein aa gaya hai and I do have a backup of it. I know Amazon mein itne different brands available hai face washes ke, skincare range different brands ki available hai. And I just wanted to talk about a basic chemical exfoliant jo aapke skincare mein aap include kar sakte ho. So if you're looking for one, this is an excellent product by Dermaco, and Dermaco is one of my favorite skincare brand to work with. This is a brand which is designed by dermatologists. They include scientifically proven ingredients in their skincare products, and they always reveal all of the ingredients in the back of their packaging so that you will get to know what ingredients you are using on your skincare. So aap ise chahte ho Amazon mein khareed lo agar aapko acha sa offer wahan pe dikh raha hai, or you can find this on Nykaa and Flipkart and Dermaco's official website. For their website, I do have a coupon code, that is Sharini20. If you will use my coupon code, you will get 20% off on your purchases. And side note guys, jab se maine active ingredients religiously apne skincare mein incorporate karna shuru kiya na, my skincare game has changed completely. So I like to switch my active ingredients, you know, for the week or for the day. I like to listen to my skin. Kya mera skin chah raha hai? Kya mujhe acne hua hai? I will use products that will target acne. Agar mujhe skin dull lag rahi hai, then I will chemically exfoliate my skin. So you just have to find the right kind of active that can work on your skin. And this is for all skin types. Next Amazon find is this natural wax strips, and this is by the brand Carmacy. Maine pehli baar jeevan mein ek Indian brand ka wax strips use kiya, and I fell in love with it. The quality is just top notch for it. And also this is made with 94.16% natural ingredients. Aapko milta hai 20 wax strips inside this. You also get 4 post wax wipes inside this, and this is specially designed for sensitive skin. Maine recently Carmacy ke sath kaam kiya regarding this wax strip, and I fell in love with the quality so much that I already opted for the backup. Aur ye kafi affordable bhi hai, kuch na kuch discount bhi aapko dikh jayega Amazon mein regarding this wax strip. Next Amazon find is a home appliance, and I've been wanting to get my hands on it for quite a while now. That is a smart LED bulb, and this is by the brand Cisco. Ye to bas outer packaging hai, bulb actually maine apne lamp mein laga ke rakha hai. इस वीडियो के स्टार्टिंग के क्लिप्स मैंने दूसरा वाला बल्ब रेगुलर बल्ब लगा के रखा था एलईडी बल्ब, बट अभी मैंने स्मार्ट बल्ब पे स्विच कर दिया है. एंड दिस इज क्वाइट अफोर्डेबल ऑन अमेजोन. यू नो इसकी ओरिजिनल प्राइस 2000 रुपीस के आसपास है, और अमेजोन में 600-700 बक्स के अंदर ये मुझे मिल गया. टू एक्टिवेट दिस स्मार्ट बल्ब यू हैव टू डाउनलोड दिस सिस्का ऐप, और वहां से आप कंट्रोल कर सकते हो, डिफरेंट लाइटिंग चेंज कर सकते हो, इनफैक्ट इंटेंसिटी भी आप चेंज कर सकते हो. सो अभी मेरे पास सिस्का का ऐप है यहाँ पे, एंड द लाइट इज करेंटली येलो. आई कैन जस्ट स्विच टू डिफरेंट लाइटिंग. अभी ऑरेंज हो गया, ठीक है, अब ये पर्पल हो गया. मैं इंटेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकती हूँ. ये लोएस्ट इंटेंसिटी हो गया लाइट का, और ये भी हाईएस्ट हो गया. और अगर आपके पास एलेक्सा है घर पे, तो आप एलेक्सा से भी कनेक्ट कर सकते हो इसे. सो बेसिकली यू हैव टू कनेक्ट योर सिस्का ऐप टू एलेक्सा ऐप, और फिर आप डायरेक्टली एलेक्सा को कमांड दे सकते हो. सो मेरे घर पे बेड साइड के पास एलेक्सा है अभी, एंड आई एम गोइंग टू गिव हर कमांड टू लाइक चेंज द कलर एंड लाइटिंग. एलेक्सा चेंज द लाइट टू येलो. ओके, येलो हो गया है ना, और वो इंटेंसिटी भी कंट्रोल कर सकती है. दिस इज सो फन. सो जैसा मेरा मूड रहता है ना, अकॉर्डिंग टू दैट मैं लाइटिंग्स और इंटेंसिटी कलर की चेंज करती रहती हूँ. बहुत मजा आता है मुझे. डेफिनेटली आई एम गोना इन्वेस्ट ऑन मोर सच स्मार्ट बल्ब्स. नेक्स्ट अमेज़न फाइंड आर दिस पैड्स बाय नुआ. मैंने इस ब्रांड के बारे में काफी ज्यादा सुना था. आई वॉन्टेड टू टेस्ट एंड ट्राई इट, एंड आई वॉज ऑलरेडी यूजिंग कार्मेसी के सैनिटरी पैड्स. आई स्टिल लव देम, आई हैव अ बैकअप फॉर देम, एंड आई थॉट ऑफ ट्राइंग समथिंग डिफरेंट, सम न्यू ब्रांड्स. एंड आई केम अक्रॉस दिस, आई ऑर्डर्ड इट, आई ट्राइड इट, एंड आई लव्ड इट. सो ये अल्ट्रा थिन पैड्स हैं, इसके अंदर 12 डिफरेंट पैड्स आते हैं. और एक बहुत अच्छी खासियत मुझे इस पैड्स के बारे में ये लगी कि इसके अंदर 3 डिफरेंट तरीके के पैड्स आते हैं फॉर डिफरेंट फ्लो साइकिल. सो दिस इज फॉर हैवी फ्लो, दिस इज फॉर मीडियम, एंड दिस इज फॉर लाइट फ्लो. और एक बार आप पैड यूज कर लोगे, यू यूज दिस आउट द पैकेजिंग टू डिस्कार्ड द पैड, एंड दिस वॉन्ट गिव यू एनी इचनेस और रैशेस. बम में ना ऐसे खुजली नहीं होती है. सो अच्छा लगा मुझे, क्वालिटी काफी अच्छी और अफोर्डेबल भी है ये. ओके, नेक्स्ट अमेजोन फाइंड इज अ मेकअप आइटम, एंड दिस इज रूबी ऑर्गेनिक्स क्रीम ब्लश, एंड दिस इज इन द शेड ऑर्किड. बहुत ही खूबसूरत लगता है ये स्किन पे, स्पेशली ऑन बेयर स्किन. एंड रूबी ऑर्गेनिक्स इज इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक मेकअप ब्रांड. उनके सारे प्रोडक्ट्स वीगन होते हैं और नेचुरल इंग्रीडियंट्स से बने हुए होते हैं. और इस क्रीम ब्लश का फॉर्मूला तो कमाल का ही है. पहले तो मैंने सिर्फ मेकअप के ऊपर इसे अप्लाई करके ऐसे टेस्ट किया था. देन आई टेस्टेड इट ऑन बेयर स्किन, जस्ट ऑन बेयर स्किन, नो फाउंडेशन, नो कंसीलर, बेयर स्किन. आई अप्लाइड इट एंड इट लास्टेड ऑन माई फेस फॉर 7 to 8 आवर्स.
मुझे स्किन में इरिटेशन नहीं हुआ, माई स्किन वॉज लाइकिंग इट एंड नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मुझे एक्ने भी नहीं हुआ, ब्रेकआउट भी नहीं हुआ. सो द फॉर्मूला ऑफ दिस इज टॉप नॉच, 10/10 फॉर द फॉर्मूला. इजिली ये मेरा एवरीडे ब्लश बन चुका है. आई फॉरगॉट टू टॉक अबाउट द प्राइसिंग. इस क्रीम ब्लश की प्राइस है 1100 रुपीज़ और बहुत रेयरली ही ये कभी डिस्काउंट या ऑफर में जाता है. अगर आपको अमेजोन में या फिर इनके खुद की ऑफिशियल वेबसाइट में कोई ऑफर मिल जाता है देन दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज आई नो प्राइसिंग इज गोना बी कंसर्न फॉर सम पीपल. अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है कोई अफोर्डेबल ब्लश का जो आपने ट्राई किया हो, जो हम बेयर स्किन में भी पहन सकते हैं, एवरीडे वेयर में पहन सकते हैं, जो कि बहुत टाइम तक पहन सकते हैं और अच्छे इंग्रेडिएंट से बना हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो इन माय प्रीवियस Amazon फाइंड्स पार्ट 1 वीडियो आई टॉक्ड अबाउट सम स्टोरेज यूनिट्स दैट आई गॉट फ्रॉम Amazon बेसिक्स. स्टोरेज कंटेनर्स थे, वो क्लोथ मटेरियल के थे. उसे मैं अपने डिफरेंट कपड़े ऐसे स्टोर करके रखती हूँ. आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्टोरेज कंटेनर टू स्टोर माई मेकअप आइटम्स एंड आई फाउंड अनदर सेट ऑफ स्टोरेज यूनिट ऑन Amazon बेसिक्स. सो दीज आर प्लास्टिक कंटेनर्स. ये 3 डिफरेंट साइजेस में आते हैं, ये 4 डिफरेंट साइजेस में आते हैं. आई एम यूजिंग द बिगर वन टू स्टोर ऑल ऑफ माय मेकअप पैलेट्स. देयर इज दिस मीडियम वन जिसमें मैं सारे ऐसे मेकअप आइटम्स निकाल के रख देती हूँ जो मुझे यूज करना रहेगा टू क्रिएट अ मेकअप लुक. बहुत इजी हो जाता है, यू नो, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड अ कंसीलर अ फाउंडेशन अलग अलग, मैं एक साथ निकाल के रख देती हूँ. एंड आई डू ओन लॉट ऑफ मेकअप सो आई नीड अ सेपरेट स्टोरेज कंटेनर फॉर मेकअप और क्रिएटिंग मेकअप लुक्स. एंड दीज आर रियली गुड क्वालिटी स्टोरेज कंटेनर्स और काफी अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिला था. सो Amazon बेसिक्स में डिफरेंट स्टोरेज कंटेनर आपको मिल जाएंगे जहां पे आपको अपना प्रोडक्ट आइटम स्टोर करना है. पहले वो साइज आप देख लो एंड देन टैली इट विद द डिस्क्रिप्शन बॉक्स का साइजेस जो उन्होंने देख रखा है फॉर द स्टोरेज कंटेनर दैट दे आर सेलिंग एंड अकॉर्डिंगली आप गेस कर सकते हो कि क्या वो आपके ड्रॉअर में या आपके कबर्ड में फिट हो पाएगा. सो दीज आर माय Amazon फाइंड्स. एक दो चीजें तो एकदम हिडन जेमी थी, जैसे कि वो हेयर ड्रायर हो गया, फेक नेल्स हो गया. बहुत ढूंढना पड़ा मुझे Amazon में और तब जाके मुझे वो मिला और क्वालिटी काफी ज्यादा पसंद आई. सारे प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं आज के वीडियो के, उन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो दिस इज पार्ट 2. लेट मी नो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा. शुड आई मेक इट अ सीरीज ऑन दिस चैनल? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया देन मेक श्योर सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, विद एवरीवन एंड विद द पर्सन हु लाइक्स टू शॉप फ्रॉम Amazon अ लॉट. एंड आई विल सी नेक्स्ट टाइम विद ब्रांड न्यू कंटेंट फॉर दिस चैनल. बाय बाय यू ऑल, टेक केयर.